तो सभी स्टूडेंट से हम अपील करना चाहेंगे, खास करके अभी जो समय है, अभी जो सेशन है, उसके अकॉर्डिंग 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, क्योंकि 11th का जो स्टूडेंट है वो 12th में जाएंगे और कहीं ना कहीं अभी जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 10 10+2 इट मीन्स 10th आप पास किए हैं, उसी तरह से सभी बच्चों का एक ख्वाहिश होता है कि 10th के बाद हम लोगों को 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। तो कहीं ना कहीं 11th के स्टूडेंट अगर 12th में जाएंगे तो एक प्रकार से 12th का सिलेबस जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसको सभी स्टूडेंट चाहता है कि हम लोग अच्छी तरह से तैयार करें और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करें। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से हम अपील करना चाहेंगे, खास करके अभी पहले 11th के स्टूडेंट से, कि आप जो है 12th के सिलेबस को पढ़ने के लिए जो बेसिक्स पार्ट्स है 11th का जो आप पढ़े हैं उसको एक बार अवश्य रिवीजन करिए और जो बेसिक पार्ट्स सब है उस पर पकड़ करिए, ताकि आप 12th में अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक सिलेबस जिससे पढ़ने के बाद आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा और उसके साथ साथ एक आपको सर्टिफिकेट भी आपके लाइफ के लिए हम लोग कह सकते हैं आपको मिलेगा। पहली बात, पहला संदेश। दूसरी संदेश हम जो है खास करके अब जो परीक्षार्थी है जिसके लिए वो पल अब आ गया है, जिसके लिए वह पूरा साल मेहनत किया है और 10th के बाद जो है स्टूडेंट जो इजी फील करता है उसके बाद वो अगला पढ़ाव उसका 12th होता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है सीनियर सेकेंडरी इट मीन्स जो 12th का सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है और हम लोग कह सकते हैं कैरियर का एक विशेष मोमेंट होता है और यहाँ से स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हम लोगों को अब किस ओर मूव करना है कैरियर में। प्लान तो खैर पहले ही करना पड़ता है जब हम लोग 10th पास करते हैं या 10th से पहले होते हैं, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खास करके 12th के स्टूडेंट के लिए हम कहना चाहेंगे कि उसके लिए यह समय अब आ गया है कि उसको जो है आप जितना पढ़े हैं सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उस पढ़ाई को अब जो है एग्जीक्यूट करना होगा, उसका एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन कैसा, तो एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में आप जब अच्छी तरह से लिख पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिखेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, वह जो आपको अच्छे मार्क्स का सर्टिफिकेट मिलेगा वही आपकी पहचान होगी। वैसे तो पहचान जानकारी से होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो पैटर्न है, सबसे पहले आप जो 12th की है जो सर्टिफिकेट मिला है उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरेंगे और उसके अकॉर्डिंग तब आपका जो है योग्यता की जांच होगी। तो कहीं ना कहीं योग्यता के साथ साथ सर्टिफिकेट में अच्छा मार्क्स हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और लास्टली हम ये विशेष रूप से सबको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि 12th का स्टूडेंट को, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट साइंस अकेडमी पर जो है वह सिलेबस पूरी तरह से हम लोग कवर कर लिए हैं, पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर लिए हैं और अब समय आया कि थोड़ा सा कुछ जो विशेष टॉपिक है उस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है क्योंकि सिलेबस बड़ा है और बड़े सिलेबस में जो है अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट और जटिल टॉपिक को अगर ठीक से ध्यान रखते हैं तो जनरल टॉपिक उसके पीछे अपने आप तो तैयार होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको लास्टली रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं उसी के लिए आज का समय जो है हम 12th के लिए निर्धारित किए हैं 2:30 से सब कोई उपस्थित हो और एक प्रकार से हम लोग पूरे सिलेबस का एनालिसिस करें और उस एनालिसिस में हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करें सब स्टूडेंट की कौन सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, किस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस पर जो है एक प्रकार से कहा जाए कि कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो रूट का और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि तुमको फ्रूट का काम करेगा, दोनों पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उसी के एनालिसिस के लिए 2:30 से आज जो है क्लास रखा गया है, खास करके 12th में। तो सभी स्टूडेंट से अपील करेंगे हम कि सबको उसमें उपस्थित हो और इस डिस्कशन क्लास को सबको सफल बनाए और सब कोई एकदम पूरे सिलेबस का कि देखिए कि कैसे आपको जो एक घंटे डेढ़ घंटे का समय है उसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक में आसानी से पूरे का पूरे चैप्टर को जो हम लोग 10 दिन 20 दिन में पढ़े, लाइक जो एक सप्ताह लगाए जिस चैप्टर को पढ़ने में, पूरा हम लोग डिस्कशन करने में, उसको कैसे 5 से 10 मिनट में हम एकाएक बोर्ड पर लिखते हैं और सभी टॉपिक उसमें इंक्लूड हो जाता है, क्या यह टेक्निक यू है, किस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं,
अगर इसको आप ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, तो अब तो वही समय है कि आपको एग्जाम के समय में उतना आपके पास समय नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसको कैसे रिवाइज्ड कर पाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से हम अपील करेंगे कि आज जो है क्लास में उपस्थित हो और अच्छी तरह से सारे सिलेबस को के विश्लेषण को अच्छी तरह से समझिए। थैंक्स।